हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की बुलंद आवाज, आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज। खाद्य सुरक्षा विभाग पौड़ी की ओर से होली के अवसर पर विशेष अभियान के तहत जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से खाद्य पदार्थों के 72 सैंपल लिए थे, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया था। सैंपलों में से 35 की रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हुई है, जिसमें 34 रिपोर्ट की मानकों के अनुसार सही पाई गई है, जबकि एक सैंपल फेल आया है। विभाग को अभी तक 37 सैंपलों की रिपोर्ट का इंतजार है। वही जिला अभिहित अधिकारी एसएस रावत ने बताया कि विभाग ने होली में विशेष अभियान के तहत पौड़ी के साथ विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों के करीब 72 सैंपल लिए थे, जिनमें कई खाद्य पदार्थ शामिल थे। वही सैंपल फेल होने पर संबंधित व्यवसायियों को नोटिस जारी कर 40 दिनों के भीतर दोबारा सैंपल की जाँच कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। होली के त्यौहार में संपूर्ण पौड़ी जनपद में एक विशेष अभियान चलाया गया है प्रशासन के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से। लगभग 72 विभिन्न किस्म के खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए लिए गए थे, जिन्हें भीमता लैब नोएडा भेजे गए हैं। आज तिथि तक 35 खाद्य नमूने की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। 34 नमूनों में किसी भी प्रकार की मिलावट या खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का पालन किया गया है,